और फाइनली घर पहुँचते पहुँचते सुबह ही हो गई। वहाँ से निकलने में हो गई थी देर। इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड। और इस्लामाबाद का मौसम सुबह से ही ना सिर्फ ठंडा बल्कि इतना गीला गीला, सुबह से ही बारिश हो रही थी ज़बरदस्त किस्म की, हल्की हल्की सी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और ठंड भी काफ़ी हो गई थी। और अब इस्लामाबाद जो है स्ट्रेंजर नहीं लगता, तकरीबन 2 महीने होने को हैं, तो जो एक अजनबियत का एहसास था वो अब ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सुबह भी जब घर पहुँचे, घर में दाखिल हुए, तो एक सुकून आया जैसे अपने घर में होता है। रात को निकलने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी पर्दों के चक्कर में, पर्दे बहुत देर में मिले। तो बस आमना ने फरमाइश की कि अम्मी 2-3 दिन से भी नाश्ता का आज आप पराठा बना के दें। और ये नाश्ता आमना ने खूबसूरत मौसम में इंजॉय किया, ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा था मगर सर्दी पड़ गई थी। और आपको याद होगा कि मैं रेवलॉन का ये हेयर कलर लेकर आई थी और मैंने इसको यूज़ भी किया, लेकिन कलर तो आ गया लेकिन जो कलर मैं सोच के आई थी ना वो नहीं आया, यानी कि ब्राउन ब्लैक। पहले भी मेरे ब्राउन ही बाल थे, ब्राउन ब्लैक ही, लेकिन इसने पूरा जेड ब्लैक ही कर दिया। जबकि रेवलॉन अच्छी कंपनी है लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं दिया। बस बाल तो अच्छे हो गए, ब्लैक भी हो गए, लेकिन ब्राउन ब्लैक नहीं हुए। चलें बस ये कि हम जो सामान लाहौर से लेकर आए थे, जो इतनी सारी शॉपिंग हुई थी, 2 दिन तक होती रही थी, काफ़ी सारा सामान तो मैंने सेट कर दिया था मैंने और आमना ने मिल के। फिर आमना ने बोला अम्मी थोड़ा सा वीडियो ही बना लेते, तो फिर थोड़ा सा सामान रह गया था। ये जो चीज़ें हमने ली थी, किचन की चीज़ें आपको पता है बेसिक चीज़ें होती हैं, ये ग्लास वगैरह लिए थे, ये छुरियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जबकि मेरे पास काफ़ी सारी नाइफ हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये चीज़ें जो होती हैं किचन की चीज़ें होती हैं, ये बहुत काम कारामद चीज़ें होती हैं जो ऐसे ही बाज़ार में मिल सकती हैं। और ये स्लाइसर, ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की चीज़ होती है। इसके अलावा ये मेरी जो नमक की और काली मिर्च की, ये भी ख़राब हो गई थी तो ये ली, बाकी पीलर लिया। इसके बाद मैं आज आपको एक बहुत अच्छी टिप दूंगी लहसुन अदरक को पीसने के लिए। तो जब भी आप लहसुन अदरक पीसें ना, तो इसमें थोड़ी सी आधी चमची हल्दी और आधा कप ऑयल डाल लें। इससे आपको हल्दी के बेतहाशा बेनिफिट होते हैं। जो लोग ज़्यादा हल्दी पसंद नहीं करते सालन में डाल, वो इस तरह से हल्दी के फ़ायदे उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छी टिप्स है। और इसके साथ अगर आप इस अदरक लहसुन को फ्रिज में नहीं रखेंगी ना, तो ना इसमें स्मेल आएगी और ना इसका कलर ख़राब होगा। ये एक बहुत अच्छी टिप है, आप मुझे इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं देंगे। रात के लिए हमने बनाया था चिकन पुलाव, वो भी आमना की भरपूर फरमाइश पे ही, इसलिए इनको आज बाहरी डिनर करना था तो बस सादा सा हम लोगों ने अपने लिए ही पुलाव बना लिया था। और ये वापसी में ही, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उनको पता है कि ये सूप मुझे आमना को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये सूप लेकर आ गए थे। ये इस तरह का सूप का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया इस्लामाबाद का, इसलिए ये और ले आते हैं। इसलिए कि कराची में तो थैलियों में मिलता था और थैलियों में आने आने तक ठंडा ही हो जाता था, वो दोबारा से उसको फिर आप प्याले में डालें या फिर गर्म करें, तो ये यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे इसमें डिस्पोजल में गर्म ही रहता है। और ये बस बाज़ार से चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई थी, 3-4 दिन में ही लेकर आए थे। और आज मैं आपको एक और बहुत अच्छी सी टिप दूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये लोशन है और ये तेल है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कहीं शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं या बाहर घूमते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारे तलवों में दर्द हो जाता है। हाँ, तलवों में दर्द की एक और वजह ये भी होती है कि जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। अगर आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ, कंटिन्यू दर्द होता है, तो आप पहले यूरिक एसिड चेक कराएं। अगर यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ और दर्द आपके लिए सिर्फ और सिर्फ थकान की वजह से या चलने की वजह से होता है, तो ये इसकी हर अच्छी टिप है कि आप ऑयल ले लें। और अगर आपको ऑयल, कोई सा भी ऑयल, मैं खोपरे का ले लेती हूँ, कि अगर ऑयल बहुत चिकना होता है तो लोशन, वैसलीन लोशन जो होता है, ये तलवों पे लगा के इसको राउंड राउंड करके थोड़ा सा प्रेस करके दबाना होता है। मेरे ये आमना के जब भी पाँव में बेहद दर्द होता है, हम इस तरह से ट्रिप करते हैं। पूरे लोशन को लेकर आप अच्छे से पाँव में सर्कल सर्कल घुमाएंगी, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगी, इधर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बस सब समझ लें, हाफ़ एन आवर में आपका ये दर्द ऐसे रफू चक्कर हो जाएगा और इतना पाँव आपकी थकान उतर जाएगी, हल्का हल्का महसूस होगा। मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है आधे घंटे में। ये टिप मेरी लाहौर की मेरी कज़न होती है, उसने दी थी और उसका बहुत शुक्रिया, इसलिए कि ये टिप ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया है। जब भी मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, मैं ये यूज़ करती हूँ और आप भी यूज़ करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बस आज का व्लॉग इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इट्स माय साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।